पाकिस्तान वो मुल्क जहां चलती है आतंकियों की फैक्ट्री, जहां तैयार होती है दहशतगर्दों की फौज, जो मुल्क आतंकियों का मददगार है, जो दहशतगर्दी को देता है बढ़ावा। अब आतंक की आका पाकिस्तान की खैर नहीं है, वो अपने ही बुनियाद में फंसता जा रहा है। पाकिस्तान कंगाली की दहलीज पर खड़ा है और आने वाले कुछ दिनों में वो पाई पाई को मोहताज हो सकता है। पाकिस्तान में पलने वाले आतंकियों ने हिंदुस्तान को कभी ना भूलने वाला जख्म दिया है। ये पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान को आंखें दिखाने की हिमाकत करता है, जो अपने हथियारों की नुमाइश से बात नहीं आता। वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान के खिलाफ चीन के साथ मिलकर जाल बुनता है, उसकी साजिशों का हिस्सा बनता है। उसी मुल्क की माली हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। आतंक और चीन परस्ती में पाकिस्तान का क्रेडिट इतना खराब हो चुका है कि कोई भी मुल्क उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। चीन तो मदद के नाम पर उसे अपना आर्थिक उपनिवेश बनाने में लगा है, लेकिन पाकिस्तान कुछ कर पाने की हालत में नजर नहीं आता। अब पाकिस्तान में इमरान खान की ताजपोशी होने वाली है। पाक हुकूमत की कमान के साथ उनके सिर पर कांटों का ताज सजेगा, क्योंकि पाकिस्तान का खजाना खाली है। उनके सामने आर्थिक बदहाली के दलदल में फंसे पाकिस्तान को उबारने की चुनौती है, जिसके लिए इमरान IMF का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन अमेरिका इसमें अड़ंगा लगाने में जुट गया है। कैसे बदहाली के मुहाने पर खड़ा है पाकिस्तान? पाकिस्तान का सुनहरा दिन नजर आ रहा है। क्यों इमरान के सिर कांटों का ताज सजने की जताई जा रही आशंका? पाक की नई सरकार के सामने क्या होगी चुनौतियाँ? दिखाएंगे कैसे पाई पाई को मोहताज है पाक, कैसे चीन के चंगुल में फंस रहा है पाकिस्तान। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। जी हाँ, आतंक को पालने पोसने वाला पाकिस्तान कर्ज के दलदल में घिरा है। इस मुल्क की माली हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो पाई पाई को मोहताज हो चुका है। पाकिस्तान में बनने वाली नई सरकार के सामने पाकिस्तान को कर्ज से उबारने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सत्ता संभालने के तुरंत बाद इमरान खान आर्थिक मदद के लिए IMF का दरवाजा खटखटाएंगे। आतंक का आका पाकिस्तान बेहाल है, पाई पाई के लिए मोहताज है। आतंक को पालने पोसने और कश्मीर में खून खराबा रचने पर पैसा पानी की तरह बहाने वाला यह मुल्क करीब करीब कंगाल हो चुका है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी करेंसी लगातार लुढ़क रही है। पाकिस्तान की GDP का ग्रोथ रेट गिर रहा है। ये मुल्क IMF और चीन के कर्ज में दबता जा रहा है। साथ ही वो विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी से जूझ रहा है और उसे तत्काल मदद की जरूरत है। मुश्किल हालात से गुजर रहे पाकिस्तान में सत्ता बदलने वाली है, हुक्मरान बदलने वाले हैं, तो क्या इसके साथ साथ इस मुल्क की किस्मत भी बदलेगी? ये सवाल दुनिया भर के लोगों के जहन में गौंद रहे हैं। नया पाकिस्तान बनाने की बात के साथ इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। खुद इमरान खान प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ऐसे में लोगों की दिलचस्पी इस बात में है कि कैसे वो मुल्क के मौजूदा हालातों को संभालेंगे। IMF, विश्व बैंक और चीन का कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान को अगले कुछ महीने में $3 अरब की जरूरत है। जानकारों के मुताबिक इस जरूरत को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को हर महीने करीब $1 अरब की जरूरत होगी। यानी इमरान खान को सत्ता संभालते ही भारी भरकम रकम जुटानी होगी, ताकि हालात को काबू में किया जा सके। कहा जा रहा है कि ऐसे में इमरान के सामने एक ही विकल्प होगा, जिसके तहत नई सरकार को आर्थिक मदद के लिए IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की शरण में जाना होगा। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान IMF की शरण में जाएगा, बल्कि वो 12 बार ऐसा कर चुका है। 1980 से पाकिस्तान IMF के 14 कार्यक्रमों के तहत भारी भरकम रकम ले चुका है। 2013 में IMF ने पाकिस्तान को $6.7 बिलियन की मदद की थी। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति तो बहुत खराब है। उनका कुछ मेरे ख्याल से रिजर्व 9-10 बिलियन तक आ गया है नीचे। तो इतनी बड़ी आबादी के लिए, देश के लिए 9 बिलियन कुछ नहीं है ना, तो इसलिए वो कई बार जा रहे हैं IMF के पास, बारंबार पूछ रहे हैं उनसे कि पैसे हमको चाहिए, 12 बिलियन अभी मांगे हैं। पाकिस्तान इस कदर बेहाल है कि सिर्फ 5 साल में दूसरी बार वो IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेलआउट की मांग कर सकता है। जानकारों के मुताबिक इमरान के पास ऐसा करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा है। नया पाकिस्तान के नारे के साथ वजीर आजम बनने वाले इमरान खान के सामने पाकिस्तान की माली हालत सुधारना सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन इमरान खान के सामने दोहरी चुनौती है। अगर IMF पाकिस्तान को कर्ज दे देता है तो इमरान खान के लिए कर्ज के इस बोझ से निजात पाना बेहद मुश्किल होगा, और अगर IMF कर्ज देने से इनकार करता है
तो इमरान खान का नया पाकिस्तान का नारा पहली ही चुनौती में नाकाम हो जाएगा। हालांकि क्रिकेट के मैदान में नई पहल और तरकीबों का इस्तेमाल करने में माहिर इमरान खान पाकिस्तान की माली हालत के सुधार में क्या नया करते हैं, ये देखने की बात होगी। टीम न्यूज नेशन। तो खबरों के मुताबिक कर्ज से फौरी राहत के लिए पाकिस्तान आईएमएफ का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी में है। वहीं इसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश की भी शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका ने आईएमएफ को बाकायदा चेतावनी दी है कि वो पाकिस्तान को कर्ज ना दे। पीएम बनने से पहले इमरान को बड़ा झटका, कर्ज मिलने के रास्ते बंद करने में जुटा अमेरिका। आईएमएफ को कर्ज नहीं देने की दी चेतावनी। पाकिस्तान में सत्ता बदलने के बाद भी उसे लेकर अमेरिका के तेवर नरम नहीं पड़े हैं। ट्रंप प्रशासन अब भी पाक को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। इसके संकेत तब मिले जब बेलआउट पैकेज के लिए पाकिस्तान के आईएमएफ जाने की खबर आई। इसके तुरंत बाद अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से पाकिस्तान को कर्ज नहीं देने की चेतावनी दी। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चेतावनी देते हुए कहा, आईएमएफ जो करेगा उस पर हमारी निगाह है, इसलिए ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आईएमएफ के फंड में अमेरिकी डॉलर का अहम योगदान होता है। आईएमएफ को अगर देना ही है तो चीनी बॉन्ड दे या खुद चीन ही फंड दे। आईएमएफ में अमेरिका के अप्रूवल के बिना तो उनको पैसा ग्रांट नहीं होगा, और अमेरिका तो आजकल जिस मूड में है वो सोच रही है कि जो चाइना से जो इन्होंने कर्जा लिया है पाकिस्तान ने इतना बड़ा, तो उसको ऑफसेट करने के लिए पैसा वो इस्तेमाल करेंगे, तो फिर इसका क्या है ये इतना जो बड़ा सो कॉल्ड बेल आउट जो दे रहे हैं उनको, वो तो जाया हो नहीं, वेस्ट हो जाएगा। इसमें ये दिखाई दे रहा है कि इमरान खान को कर्ज़ा लेना पड़ेगा और आईएमएफ जो है वो इमरान खान को कर्ज़ा नहीं दे रही देगी, क्योंकि अमेरिका का हाथ इमरान खान के पीछे नहीं है। वो कहते हैं कि आईएमएफ पाकिस्तान को कर्ज़ा ना दे। इस सूरत हाल में इमरान खान को ये चाहिए कि वह अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से सीखें कि हिंदुस्तान ने कभी भी आईएमएफ से रिक्वेस्ट नहीं की शायद कि हमें वो कर्जा दें। जानकारों के मुताबिक अमेरिकी चेतावनी के बाद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की आईएमएफ की राह भी मुश्किल हो गई है और उसे वहाँ से भी कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि आईएमएफ का कहना है कि उसे पाकिस्तान की तरफ से अभी तक बेलआउट पैकेज को लेकर कोई अर्जी नहीं मिली है, लेकिन अमेरिका की सख्त चेतावनी को नज़रअंदाज कर पाना आईएमएफ के लिए मुश्किल होगा। पाकिस्तान पर अमेरिका की शक्ति का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले साल की शुरुआत में ही अमेरिका ने पाकिस्तान को करारा झटका देना शुरू कर दिया था। आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने तक पाकिस्तान को मिलने वाली अमेरिकी मदद रोक दी गई थी। अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक पाकिस्तान को दी जाने वाली 25.5 करोड़ डॉलर यानी 1624 करोड़ रुपए से ज्यादा की सैन्य मदद पर रोक लगा दी है। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद ही मदद देने या नहीं देने का फैसला किया जाएगा। अमेरिका का रुख पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि एक तरफ उस पर चीन का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के अलावा कोई और मुल्क उसकी मदद के लिए तैयार नहीं रहा। इमरान खान की नई सरकार को इन चुनौतियों से पार पाने का फार्मूला ढूंढना होगा ताकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था न सिर्फ पटरी पर दौड़े बल्कि मुश्किलों से पार पा सके। कंगाली की राह पर खड़ा पाकिस्तान आईएमएफ के दरवाजे पर झोली फैलाए खड़ा है, लेकिन मदद की राह में सबसे बड़ी बाधा बनकर अमेरिका खड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे में इमरान खान के लिए सत्ता चलाना ठीक वैसे ही होगा जैसे क्रिकेट की पिच पर कम बॉल बचे हों और सामने जीत के लिए भारी स्कोर खड़ा हो। बिलेश राकेश सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लग चुका है। इस झटके से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से हिल जाएगी। इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी FTA ने पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। इससे पाक को आर्थिक मदद लेने में भी दिक्कतें होंगी। एक ऐसा मुल्क जो दहशतगर्द स्नाइपर्स की फौज तैयार करता है, एक ऐसा मुल्क जो आतंक के आकाओं की पनागाह है, जिसकी बर्बर बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट में आतंकियों को जगह मिलती है, जो दशकों से कश्मीर को आतंक की आग में झुलसा रहा है, जो मुल्क आतंक की नर्सरी है जहां आतंकियों को ट्रेनिंग मिलती है, जिस मुल्क की वजह से आतंक का अर्थतंत्र सांस लेता है, जहां से कश्मीर में दहशतगर्दों को फंडिंग मिलती है, जिसके पैसों के दम पर कश्मीर घाटी को सुलगाने बैठे हैं पत्थरबाज, उस मुल्क को उसके किए की सजा मिलने लगी है, दुनिया मानने लगी है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का केंद्र है।
FATF ने पाकिस्तान को टेरर फंडिंग की ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने के लिए अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव पेश किया गया। इससे पहले भी पाकिस्तान 2012 से 2015 तक FATF की वॉच लिस्ट में था। बेहद अहम है FATF का फैसला। संस्थान के बारे में बात करें तो 1989 में FATF की स्थापना की गई थी। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आतंकी फंडिंग पर निगरानी रखना इस संस्था का मकसद है। टेरर फाइनेंसिंग वॉच लिस्ट में नहीं आए इसके लिए पाकिस्तान की तरफ से पुरजोर कोशिश की गई थी। पाकिस्तान चीन, सऊदी अरब और तुर्की की मदद से लगातार अपने बचाव की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गईं। भारत और अमेरिका की रणनीति कामयाब हुई और पाकिस्तान को टेरर फंडिंग वॉच लिस्ट में डाल दिया गया। पाकिस्तान पर यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के ठीक बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो आतंकियों पर लगाम कसने के लिए पाकिस्तान की तरफ से उठाए जा रहे कदमों से संतुष्ट नहीं है। अमेरिका का ये भी कहना है कि पहली बार अमेरिका पाकिस्तान को उसके कामों के लिए जवाबदेह बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस साल के शुरू में पाकिस्तान को दी जाने वाली 1625 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता पर रोक लगाने की घोषणा की थी। अमेरिका आतंकी सरगना हाफिज सईद पर पाकिस्तान की कार्रवाई नहीं करने से खफा है। भारत और अमेरिका सईद को मुंबई हमले का मास्टरमाइंड मानते हैं, लिहाजा सईद को वैश्विक आतंकी घोषित किया गया है। लेकिन पाकिस्तान में हाफिज को साहब का दर्जा हासिल है। पाकिस्तान के इसी रवैये की वजह से उसे टेरर वॉच लिस्ट में शामिल किया गया है। जानकारों के मुताबिक FATF की निगरानी में शामिल होने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। इससे विदेशी निवेशकों और कंपनियों को पाकिस्तान में बिजनेस करने में दिक्कत होगी। इसके साथ ही पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से पैसा उधार लेना भी मुश्किल होगा। पाकिस्तान के हुक्मरानों को FATF के फैसले से करारा झटका लगा है। दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन पाकिस्तान लगातार दुनिया की अनदेखी करता रहा है। टीम न्यूज नेशन। और इन तमाम दिक्कतों के बीच सवाल कुछ और भी हैं। क्यों इमरान के लिए पाक प्रधानमंत्री का पद कांटों का ताज बताया जा रहा है? उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है? ये रिपोर्ट देखिए। इमरान खान, वो चेहरा जिसने कामयाब क्रिकेटर से पाकिस्तान की सियासत में शीर्ष तक का सफर तय किया है, लेकिन क्या वो विरासत में मिले बदला पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बना पाएंगे? जानकारों के मुताबिक आने वाले समय में इमरान खान के लिए नया पाकिस्तान का वादा निभा पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि वो एक ऐसे दौर में पाकिस्तान की कमान संभालने जा रहे हैं जो पाकिस्तान कई मोर्चे पर जूझ रहा है। कई चुनौतियां उनके सामने मुंह बाएं खड़ी हैं। इमरान खान के सामने पाकिस्तान की GDP के स्तर को बेहतर करने की चुनौती सबसे बड़ी होगी। एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देश पाकिस्तान की GDP दुनिया में 41वें नंबर पर है, जबकि टॉप 10 में एशिया के 3 देश शामिल हैं। पाकिस्तान की मौजूदा GDP करीब 300 अरब डॉलर है, जो कि भारत से तकरीबन 8 गुना कम है। पाकिस्तान की GDP का ग्रोथ रेट 5% रह गया है, जो कि 2017 में 5.7% था। दूसरी तरफ डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी करेंसी लगातार कमजोर पड़ रही है। पाकिस्तानी रुपया ऐतिहासिक गिरावट से जूझ रहा है। पाकिस्तानी रुपये में डॉलर की तुलना में 20% की गिरावट आ चुकी है। हाल के महीनों में पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से पाकिस्तान का आयात महंगा हो रहा है और निर्यात में लगातार कमी आ रही है। बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा ये इकोनॉमिक चैलेंज। हमको सभी को इतना बड़ा लगता नहीं है, उसकी बात ज़्यादा होती नहीं है, मगर पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा अभी उनकी अपनी आर्थिक स्थिति पर है। ऐसा चलता रहेगा तो ये देश का तो पूरा बैंड बज जाएगा। 20 जुलाई को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान के पास महज 9 अरब डॉलर ही विदेशी मुद्रा बाकी है, मतलब 2 महीने के आयात भर की रकम भी पाकिस्तान के पास नहीं बची है। तमाम आशंकाओं के बावजूद पाकिस्तान ने चीन से कर्ज लेना जारी रखा है। पिछले वित्तीय वर्ष में पाकिस्तान चीन से 5 अरब डॉलर का कर्ज ले चुका है। पाकिस्तान की बदहाली की गवाही रोजगार दर में गिरावट भी दे रही है। मौजूदा दौर में रोजगार की दर 0% हो चुकी है। सरकार नए रोजगार नहीं दे पा रही है, जबकि यहाँ पर बेरोजगारों की एक बड़ी फौज शामिल है। इस मुल्क में भ्रष्टाचार बेलगाम हो चुका है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। चुनौतियों के पहाड़ के सामने इमरान कितना टिक पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इमरान के करीबियों का दावा है कि जिद्दी और सक्रिय नेता की छवि वाले इमरान खान तमाम चुनौतियों से पार पाने में कामयाब रहेंगे। टीम न्यूज नेशन। और इस बीच पाकिस्तान में वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के तहत चीन भारी निवेश भी कर रहा है। चीन ने इसके तहत पूरी जमीन पर
कब्जा सकर लिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब पाक पाक नहीं बल्कि चीन का हिस्सा बन जाएगा। चालबाज चीन अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान को भी अपना आर्थिक उपनिवेश बनाने की चाल चल चुका है और उसका रास्ता चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी से तैयार हो रहा है। सीपीईसी के बदले में पाकिस्तान ने अपने ग्वादर पोर्ट को 40 साल के लिए चीन को लीज पर दिया है। वहीं ग्वादर पोर्ट से कमाई का 91% हिस्सा चीन को मिलेगा जबकि ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी को महज 9% मिलेगा। इतना ही नहीं पाकिस्तान को 20 साल के अंदर ब्याज समेत चीन के $70 बिलियन चुकाने हैं। पाकिस्तान का कुल कर्ज $170 बिलियन के करीब है। सवाल है कि अगर पाकिस्तान ये लोन नहीं चुका पाया तो क्या होगा। इससे ठीक श्रीलंका जैसे सूरत हाल पैदा हो सकते हैं और पाकिस्तान को ग्वादर पोर्ट समेत दूसरी संपत्तियां चीन को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। चीन अपनी शर्तों पर लोन देकर पाकिस्तान के पैर पसारता जा रहा है। पाकिस्तान में अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर चीन $55 अरब यानी ₹3,520 अरब खर्च कर रहा है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि इस राशि का बड़ा हिस्सा कर्ज के तौर पर है। पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक ने चीन के साथ द्विपक्षीय कारोबार में चीनी मुद्रा युआन में लेन देन की अनुमति दे दी है। इतना ही नहीं पाकिस्तानी समाज में भी चीन की पकड़ धीरे धीरे बढ़ रही है। रेडियो टीवी पर चीनी प्रोग्राम प्रसारित हो रहे हैं। इस्लामाबाद से चीनी भाषा में हुआशांग अखबार छप रहा है। पाकिस्तान में चीनी छात्रों से लेकर मजदूरों और दूसरे पेशेवरों की तादाद बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में चीन खुद को सैन्य रूप से भी मजबूत करता जा रहा है। काराकोरम से लेकर ग्वादर तक चीनी सेना की मौजूदगी है। वहीं पीओके में भी चीनी फौज डेरा जमाए हुए है। जाहिर है पाकिस्तान के कई इलाकों में चीन का दबदबा साफ नजर आता है। इसका सबसे बड़ा जोखिम पाकिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान के लिए भी है। टीम न्यूज़ नेशन।